कांग्रेस सांसद और WFI के प्रमुख रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है महिला पहलवानों की तरफ से, लंबे वक्त तक राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर ये पहलवान धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आए और लंबे वक्त के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ा एक्शन देखने को मिला जब मोदी सरकार की इसमें पहल देखने को मिली। मालूम हो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और क्लीन चिट मिल चुकी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। और अब इन पूरे ही मामले के बाद अब देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह मीडिया से रूबरू हुए हैं और डंके की चोट पर उन्होंने अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, जहां एक तरफ आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं पहलवान एक बार फिर से धरना कर सकते हैं, जहां एक तरफ साक्षी मलिक और उनके पति ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लाइव आकर तमाम बड़े खुलासे किए हैं। बीजेपी के दो नेताओं के उन्होंने नाम लिए हैं कि आखिरकार उन्हें ये धरना प्रदर्शन का बढ़ावा कैसे मिला। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिली और ब्रजभूषण शरण सिंह इस फैसले के बाद, यहां पर चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, अपनी बात रखे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पैरवी करते हुए नजर आए हैं और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उन लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। सुनिए जरा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, परसेंट मत पूछिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव एक बार फिर से 2024 के चुनाव को लेकर एक पहले में, क्या मानते हैं? देखिए, जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया होती है। इसके पहले भी गठबंधन हो चुके हैं। नेताओं का गठबंधन होता है लेकिन जनता का गठबंधन नहीं होता है। जनता अपने विचार से जाती है और इस समय मोदी लहर चल रही है देश के अंदर, क्योंकि लोग श्रीलंका की स्थिति देख रहे हैं, लोग बगल में पाकिस्तान की स्थिति देख रहे हैं, लोग जो है अमेरिका की आर्थिक स्थिति देख रहे हैं, सारी दुनिया की आर्थिक स्थिति हालात जहां पर खराब हैं वहां पर मोदी जी ने सब चीजों को कंट्रोल करके रखा है। इसको सब समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, मुसलमान भी समझते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2014 में बीजेपी आई थी, 2024 में बीजेपी। आप किसी के व्यक्तिगत बयान पर मुझसे मत बुलवाइए। वो कोई थोड़ा सा दिमाग का कमजोर था। क्या लगता है मणिपुर की नहीं समझ रहा है? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं आपसे। उत्तर प्रदेश पर करना हो करिए, बाकी मैं देश का जो है इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत बहुत सामान्य आदमी। देखिए, विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था और विपक्ष हमेशा इकट्ठा होता है, लेकिन जनता जो है मोदी जी के पक्ष में ही इकट्ठा होती है। 2014 इकट्ठा हुई, 19 इकट्ठा हुई, 24 में भी इकट्ठा होगी, क्योंकि दुनिया के हालात देखिए आप क्या चल रहे हैं, अमेरिका के क्या हालात हैं, आपके पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आटा क्या भाव बिकता है, दाल क्या भाव बिकती है, प्याज क्या भाव बिकता है, यहाँ पर बताइए किसी के ऊपर महंगाई का कोई असर है? ये काम किसके कारण हो रहा है? मोदी जी के कारण हो रहा है। मंत्री केजरीवाल को ये कहना पड़ रहा है कि सीबीआई और ईडी के तहत आखिर क्यों सरकार बनाना चाहती है भाजपा? नहीं नहीं नहीं, देखिए इतना बस मान करके चलिए कि 24 में मोदी जी का रथ कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनका रथ जनता हाँक रही है, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब सब मिलकर के उनका रथ हाँक रहा। आपने सुना कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए देखे गए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी से एक बार फिर से टिकट मिलेगा लोकसभा चुनाव के लिए या फिर नहीं। फिलहाल वह केसरगंज से सांसद हैं, लेकिन पहलवानों की मांग यही है लगातार कि सभी पदों से बर्खास्त कीजिए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। देखते हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए पार्टी हाईकमान का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।